खट्टी मीठी कहानियाँ। नहीं नहीं, मैं इस घर में अब अकेले नहीं रह सकती। उफ, अजीब मुसीबत है। क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? भूतों का डर नहीं, सारा दिन तो तुम ऑफिस में रहते हो, मैं अकेली इस बड़े घर में क्या करूँगी? किताबें पढ़ना, टीवी देखना, या फिर तुम्हारे जो जी में आए करना, ठीक है? और बातें किससे करूँगी? अब अकेले अकेले क्या चुप रहा जा सकता है? हा? तुम मेरी माँ को नहीं जानती। जानने समझने का मौका ही कहाँ मिला? शादी के दूसरे दिन ही तो वो घर छोड़कर काशी चली गई। हाँ, एक तरह से अच्छा ही हुआ है। मेरी माँ बहुत गर्म दिमाग वाली औरत है, उनके साथ सामंजस्य बैठाना सबके बस की बात नहीं है। सब में और अपनी बहू में क्या फर्क नहीं होता? अरे भाई, तुम उन्हें नहीं संभाल पाओगी, ये समझ कर ही वो पहले ही यहाँ से चली गई। अगर माँ नहीं मान सकती थी तो मैं उन्हें मना लेती ना। सुनो, इस परिवार में मुझे अशांति नहीं चाहिए। वो क्या समझती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी तो उन्हें समझना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर में कोई भी अशांति नहीं होगी। तुम जाकर माँ को वापस ले आओ। जो तुम्हें ठीक लगे। रतन की शादी के दूसरे दिन ही उसकी माँ काशी के लिए निकल गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बहू उन्हें नहीं संभाल पाएगी। दूसरी तरफ संयुक्त परिवार से आई लड़की को अकेले रहने में तकलीफ हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी सास वापस आ जाए, ताकि वे दोनों मिलजुल कर एक साथ रहें। अरे बहू, मैंने सुना है कि तू अपनी सास को वापस बुलाना चाहती है। आपको किसने कहा और कौन? रतन ने कहा। सुन, तेरी सास बहुत खड़ूस है, उसे कभी भी कुछ भी पसंद नहीं आता। आए दिन मोहल्ले की औरतों के साथ उसका कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन बुआ, फिर भी वो है तो मेरी सास ही ना, माँ के समान। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो अपने उम्र से पहले ही जाकर काशी में बस गई। अरे, पर वो तो अपने खुद के मर्जी से गई है ना, तूने तो उसे नहीं भगाया। फिर भी बुआ। देख बहू, तू उसके साथ रही नहीं है ना, इसीलिए तुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग तो बड़े खुश हुए थे जिस दिन तेरी सास चली गई थी। नहीं बुआ, मुझे तो माँ ही चाहिए बस। देख, जो तुझे अच्छा लगे, चलती हूँ। रतन अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाता। आखिरकार रतन अपनी माँ को काशी से वापस लेकर आता है। अरे बहू, तू मुझे मत छू, मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, पहले मुझे नहा लेने दे। माँ, आप आ गई, मेरे लिए तो यही बहुत है। अरे रतन, उसे 10 रुपए से ज्यादा मत देना, स्टेशन से यहाँ तक का 10 रुपए ही किराया बनता है। अरे माता जी, भाड़ा बढ़ गया है। हाँ। तुम लोगों को तो हर समय ही सिर्फ किराया 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 ही लगा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। चलिए माँ, अंदर चलिए। आते ही आती शुरू हो गई है, बेचारा रिक्शा वाला। अब तो ये हमारा भी सर खाया करेगी, अब तो इस मोहल्ले में कौए और चील भी नहीं झाकेंगे। कितनी बार मैंने बहू को समझाया था, फिर भी नहीं मानी। इसने तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, कितने शांति से थी, खुद ही इसने अशांति को निमंत्रण दे दिया। अब देखो क्या खेल देखने को मिलता है। सुनो बहू, मैं जरा खड़ूस मिजाज की हूँ, तो अगर कभी मैं गलती से कुछ अनाप शनाप बकूं तो तुम मुझे चुप करवा देना। मैं आपको चुप करवाऊंगी? आप ये क्या कह रही हैं माँ? अरे बाबा, तुम्हारे ससुर भी यही किया करते थे, लेकिन उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद उस तरह मुझे कोई समझ नहीं सका। वो क्या काट रही हो? ये आलू काट रही हूँ, मछली में डालकर बनाऊंगी। बहू, मछली के साथ बनाए जाने वाले आलू कोई इस तरह से काटता है क्या? लंबे लंबे काटो। ओह अच्छा, कल से ऐसा ही करूंगी। अरे अरे, वो क्या कर रही हो,
अगर झींगे को इस तरह से काट कर अलग कर दोगी तो तुम बनाओगी क्या? देखो इस तरह से काटते हैं। ये देखो इस तरह, समझ गई? माँ आज के बाद से ये काटने की जिम्मेदारी आपकी ही है, मुझे तो ये सब समझ नहीं आता। वो तो मैं समझ ही रही हूँ। ठीक है वही होगा, मैं ही काट दिया करूंगी। अरे भाभी जी, भैया घर पे है क्या? आ? अरे बाप रे, ये बुढ़िया तो वापस लौट आई। चल चल भाग जल्दी से, वरना ये दिमाग खा लेगी। भैया जब आएंगे तो उन्हीं से चंदा ले लेंगे। चल चल भाग। ए भाग कह रहे हो? रुको, किस बात का चंदा? अरे मौसी, वो होली आ रही है ना, उसी के लिए चंदा चाहिए। चंदा लेकर खुद ही नाच गाना करोगे और उसके लिए मैं चंदा दूं? अरे मौसी, बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, बहुत सारे कलाकार आएंगे गाना गाने के लिए। हाँ, और उसके बाद खाना पीना मौज मस्ती। क्या वो सब जलसा वलसा करना है तो अपने पैसों से करो, मेरे बेटे का पैसा हराम का नहीं आता। अरे भैया ने बोला था कि मोटा चंदा देंगे। हाँ, अरे भाभी से खुद ही पूछ लीजिए। अरे ओ भाभी, क्यों भाभी, ठीक बोला ना? अब भाभी की गवाही मानूं? चंदा वंदा कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाभी आप ही कुछ बोलिए ना। नहीं भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, इस घर की मालकिन मेरी माँ है, माँ जो कहेंगी वही होगा। लो कर लो बात, फूल पलटी। चल चल भाई चल, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, चल। शुक्र है कि आप थी माँ, आपसे इन सारे मुसीबतों से आप ही निपटिएगा। यू आर ग्रेट। ये क्या बहू, इतने तेल में खाना क्यों बनाया है? इससे तो अल्सर हो जाएगा। हाँ माँ, मैं कम तेल में खाना नहीं बना पाती। अरे ये क्या बात हुई, इतने तेल में खाना बनाओगी तो अल्सर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा माँ? और क्या होना है, कम तेल में खाना बनाओ। लेकिन माँ, मैं तो बिना ज्यादा तेल के खाना बना ही नहीं पाती। तो फिर माँ, कल से खाना भी आप ही बनाइए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी। ठीक है, ऐसा ही होगा जब तुम ऐसा चाहती हो, कल से मैं ही खाना बनाया करूंगी। इस प्रकार घर और बाहर के सभी कामों की जिम्मेदारी, जैसे बाजार करना, रुपए पैसों का हिसाब रखना, इन सारी जिम्मेदारियों का बोझ सास के कंधों पर आ पड़ता है। उधर बहुरानी निश्चिंत होकर आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। उधर मोहल्ले की सारी बहुएं अपने सासों की ज्यादती से परेशान है। आखिरकार उन सभी बहुओं ने एक दिन मैदान में बैठकर कुछ करने का फैसला किया। सुनो तुम लोग, अब से अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी अपनी सास पर छोड़ दो। ये क्या कह रही हो रूपा? हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, जितना छोड़ोगी उतनी ही तुम्हारी सास काम करते करते मरेगी और हम लोग अपनी जिंदगी को मजे से खुल कर जिएंगे। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त प्लान है। अरे इससे तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और हम बदनाम भी नहीं होंगे। वाह क्या बात है। और इस प्रकार सभी बहुओं की आंखें खुल जाती हैं। और इसके बाद देखो बहू, रूपा को देखो और सीखो उससे किस तरह उसने अपनी सास पर घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी है। और तुम लोगों को लगता है कि ये घर संसार बस तुम लोगों का है और हमें वही सुनना होगा जो तुम चाहते हो। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, आप ही तो इस घर परिवार की मुखिया हैं। समझ गई तब तो। हाँ माँ, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। मैं तो आपसे छोटी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और इस संसार की भागडोर आप अपने कंधों पर ले लीजिए। मैं जाती हूँ, मेरे सीरियल का वक्त हो गया है।
अब हर घर की सास काम करते करते परेशान है। उधर बहुएं मॉर्निंग वॉक करती हैं, शाम के समय ताश खेलती हैं, सीरियल और सिनेमा देखती हैं, पार्टी करती हैं और जिंदगी के लुत्फ उठाती हैं। उफ, कितनी गर्मी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तो मत ही मारी गई थी कि मैंने इस घर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब इस उम्र में जोड़ों के दर्द में क्या ये सब करना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मुझे अब इस घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहिए। ठीक ही तो थी मैं, खा रही थी पी रही थी, क्यों मैंने बहू की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हाय हाय हाय। नहीं नहीं, मैं भाग जाऊंगी, मैं फिर से काशी चली जाऊंगी। मैं भी बहू से कहकर अब काशी चली जाऊंगी। इस उम्र में अब इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, काशी ही चली जाऊंगी मैं भी। अंततः हर सास को जब यह बात समझ में आती है कि उन्होंने हर बात में टांग अड़ाकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है, तो वे अपनी बहुओं से जाकर कहती हैं, बहू मैं काशी जा रही हूँ, बहू मैं काशी जाऊंगी, बहू मैं काशी जाना चाहती हूँ, बहू मैं काशी जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, सर्वनाश हो गया, मुझे छुपकर भागना होगा अब तो। ये ऐसे जानी नहीं देगी, मुझे जैसे भी यहाँ से भागना ही होगा। रात के अंधेरे में भागना होगा। भागो, चलो काशी चले, भागो चलो काशी चलते हैं, भागो चलो काशी चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.